कि मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है जिसमें मैं दिल्ली में घूमता हूँ, और वो गाड़ी 100% इथेनॉल पर चलती है, और वो ये किसानों ने तैयार किया हुआ ग्रीन ईंधन है, और जिसमें पेट्रोल के तुलना में इथेनॉल का रेट 60 रुपये लीटर है, और अगर ये गाड़ी का एवरेज पकड़ के अगर हिसाब किया जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। तो अभी हमने ये तय किया है कि इंडियन ऑयल 400 जगह पर इथेनॉल के पंप डाल रहे हैं। आपके जिले में 28 शुगर मिले हैं, और मैंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को कहा है कि जितनी शुगर मिले इथेनॉल बनाती है अब उनको इथेनॉल के पंप डालने की अनुमति दो। बजाज, टीवीएस और हीरो, और इन्होंने अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल भी फ्लेक्स इंजन 100% इथेनॉल पर बनाई है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। इथेनॉल से कोई पोल्यूशन नहीं होता। अब बेलगांव जिले में जो इथेनॉल होता है वो पेट्रोल के पंप यहाँ के बंद करवाइए, सब जगह इथेनॉल के पंप शुरू करिए, और यहाँ की स्कूटर, यहाँ की मोटरसाइकिल, यहाँ के ऑटो रिक्शा, यहाँ की कार अगर पेट्रोल के बजाय इथेनॉल पर चलेगी तो ग्राहकों को भी फायदा होगा और यहाँ प्रदूषण भी नहीं होगा और किसानों को इसका फायदा होगा। आज इथेनॉल जो है वो किसानों का है, और गन्ने को जो भाव बढ़े हैं कल, तो स्वाभाविक रूप से इथेनॉल के कारण जो पैसा मिलेगा वो किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध और संपन्न होंगे। पर हम यहाँ तक रुके नहीं है, अभी इथेनॉल से हमने बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल हवाई ईंधन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बना लिया है। और अब वर्ल्ड में ये बात की चर्चा हो रही है, डाउस में हुई थी, कि हमारे पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में हम 5% तक बायो एविएशन फ्यूल डालें। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान 50% बायो एविएशन फ्यूल में डालकर देहरादून से दिल्ली लाने का हमने एक यशस्वी प्रयोग किया था। अभी इतने में एयर एशिया का एक प्राज इंडस्ट्री के साथ बायो एविएशन फ्यूल डाल के वो भी प्रयोग यशस्वी हुआ। 2 साल पहले 26 जनवरी को हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे फाइटर जेट भी ये बायो एविएशन फ्यूल पे चले। तब आने वाले जमाने में अब इथेनॉल से एविएशन फ्यूल बनेगा, और हमारा देश में जो किसान है वो केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जा दाता है, क्योंकि हम बिजली तैयार करते हैं। केवल बिजली दाता नहीं है, तो अभी हमने दिल्ली में, हरियाणा में जो राइस स्ट्रॉ होता है जिसको परली कहते हैं, उससे पानीपत में 1,00,000 लीटर इथेनॉल पर डे, 76,000 टन पर डे बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, और 150 टन बिटुमिन, बायो बिटुमिन पर डे का प्लान शुरू हुआ है। मैं खुद इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि हमारा जो बगास है, बायोमास है, इसे डायरेक्ट बिटुमिन बनेगा। हमारे देश में 80,00,000 टन बिटुमिन लगता है, 50,00,000 टन हमारी रिफाइनरी देती है, और 30,00,000 टन हम इम्पोर्ट करते हैं। अभी हम वेस्ट टायर को इम्पोर्ट करने की अनुमति दी है, और रबर की पाउडर अब बिटुमिन में जाएगी, प्लास्टिक जाएगा, और उसके साथ हमारा किसान अब बिटुमिन भी बनाएगा। तो अन्नदाता, ऊर्जा दाता, बिटुमिन दाता और हवाई ईंधन दाता अगर किसान बनेगा तो गांव समृद्ध संपन्न होंगे। केवल स्मार्ट विलेजेस नहीं, स्मार्ट सिटीज नहीं, तो स्मार्ट विलेजेस भी बनेंगे, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट गाँव में आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कर्नाटक में बेलगांव ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ 28 शुगर मिल है, और ये मैंने ऊपर से देखा, मुझे लगा कि कोल्हापुर में बहुत ज़्यादा गन्ना है। अब आने वाले समय में, एक समय ऐसा था कि शुगर सरप्लस थी, पर शुगर का शॉर्टेज है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे किसानों का भविष्य गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे बेलगांव की इकोनॉमी, ये गन्ना उत्पादक किसानों की इकोनॉमी जो है पूरी उनके आर्थिक इथेनॉल और शुगर से जुड़ी हुई है, और इसलिए आने वाले समय में बेलगांव ये केवल इथेनॉल बनाने वाला नहीं तो पूरे दुनिया को हवाई ईंधन सप्लाई करने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ये कोशिश आप जरूर करिए, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं कोई बात हवा के नहीं करता हूँ, मैं खुद प्रयोग करता हूँ।
और जो बोलता हूँ वो 100% करता हूँ, झूठ नहीं बताता कभी। तो मेरी बात पर विश्वास रखिए, और मैं जो कहता हूँ वो 100% बातें सिद्ध होती है। ऑस्ट्रेलिया डंके की चोट पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारे देश का किसान हवाई ईंधन तैयार करेगा और दुनिया के हवाई जहाज हमने दिए फ्यूल पर चलेंगे, वो दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए बेलगांव को इथेनॉल का और इथेनॉल से हवाई ईंधन का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में यहाँ के लोक प्रतिनिधि, विशेष रूप से कर्नाटक की सरकार जरूर इंटरेस्ट ले, यही उनसे मेरा अनुरोध है। फिर से एक बार ये भी बात कहूँगा कि अब हमारे किसान बायोमास से, प्रेस मड से बायो सीएनजी, बायो एलएनजी, बायो गैस बना रहे हैं। अब भारत सरकार सोच रही कि जो पाइपलाइन है गैस की, इसमें डायरेक्ट वो डाल सकेंगे, ऐसा भी निर्णय हुआ है, जल्दी ऑर्डर निकल जाएगा। और हमारे ट्रैक्टर, हमारी कार, हमारी बसेस सीएनजी पर चलेगी। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक की बात जब की, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस की, तो लोग बोलते थे कैसा होगा। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए वेटिंग लिस्ट है, 5 साल में पूरी बसेस इलेक्ट्रिक की हो जाएगी। अब मैंने कहा था कि हाइड्रोजन आने वाला है, हमारा किसान अब हाइड्रोजन भी बनाएगा जो फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं देश नहीं, तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे और गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा, यही हमारा सपना है। मेरा विश्वास है कि चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे हवा ईंधन हो, चाहे बायोमास और प्रेस मड से सीएनजी एलएनजी बनाने की बात हो, इसमें अगर बेलगांव आगे होता है, कर्नाटक आगे होता है, क्योंकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश यही गन्ना उत्पादक स्टेट है और दुनिया में इसमें एक्सपोर्ट करने की बहुत बड़ी चांसेस है। पूरी बायो एविएशन फ्यूल, आज जैसे पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल, ये पूरे अरब कंट्री से आता है, वो दिन अब दूर नहीं कि ग्रीन हाइड्रोजन, हवाई ईंधन और इथेनॉल हमारे देश से एक्सपोर्ट होगा। आसाम में नुमालीगढ़ में बांबू से इथेनॉल बनाने का एक बड़ा फैक्ट्री शुरू हुई है। वहाँ के एमडी को मैंने कहा कि वहाँ से पाइपलाइन से बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जब मुझे मिले, तब मैंने उनको सुझाव दिया, वो बड़े इंटरेस्टेड है, तो मैंने कहा ये पाइपलाइन में पेट्रोल भेजने के बजाय जो बांबू से इथेनॉल बनता है वो 20% डाल के भेजो, और जल्दी ही डीजल में भी 7.7% इथेनॉल डालने की बात चल रही है। अभी जो कोयले से मिथेनॉल बनता है वो 15% हमारे यहाँ डीजल में डालने की बात हुई। मैं कर्नाटक सरकार को धन्यवाद दूंगा कि कर्नाटक स्टेट रोड कॉरपोरेशन ने मेरे हाथ से बेंगलोर में 15 बसेस का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। अशोक लेलैंड ने उनके ट्रक मिथेनॉल पर चलने वाले वहाँ लॉन्च किए। डीजल का भाव है 110 रुपये लीटर और मिथेनॉल का भाव है 22 रुपये लीटर। कितनी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, और इसलिए आने वाले समय में इन सब बातों में इनिशिएटिव लेने में कर्नाटक की सरकार विशेष रूप से आगे आए, किसानों का भला हो, प्रदूषण कम हो, देश की निर्यात बढ़े, और 16 लाख करोड़ का जो फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रहा है वो इंपोर्ट बंद हो, यही हमारी सबकी इच्छा है।